दोस्तों, यूँ तो दिल्ली में बच्चों के लिए घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो में 5 ऐसी जगहों की बात करने वाला हूँ जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये 5 जगह कौन सी है, इनकी टाइमिंग, लोकेशन, सब कुछ मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इन सभी जगह से रिलेटेड अगर आपको फुल वीडियो देखने हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप इन वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली की टॉप बेस्ट 5 प्लेसेस फॉर किड्स। नंबर 1, नेशनल बाल भवन। दोस्तों, ये बात सभी को पता है कि हमारे देश के पूर्व और पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1956 में इसकी स्थापना 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए की गई थी। दोस्तों, अगर मैं नेशनल बाल भवन की लोकेशन की बात करूं, तो जो इसकी लोकेशन है वो है कोटला मार्ग, माता सिंदूरी रेलवे कॉलोनी, ITO, न्यू दिल्ली। और अगर मैं इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो वो है ITO मेट्रो स्टेशन। अब इसकी मैं टाइमिंग की बात करूं तो जो इसकी टाइमिंग है सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक की है, और संडे मंडे बाल भवन बंद रहता है। दोस्तों, नेशनल बाल भवन में 16 साल तक के बच्चे की कोई भी टिकट नहीं लगती, और अगर बच्चा 16 साल से बड़ा है तो उसकी 20 रुपीज़ टिकट लगती है। और जो यहाँ पर टॉय ट्रेन है, 16 साल तक के बच्चे की यहाँ पे 10 रुपये की टिकट लगती है, और 16 साल से बड़े जो भी हैं उनकी 30 रुपये टॉय ट्रेन की टिकट लगती है। टॉय ट्रेन के साथ साथ बच्चे यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो बच्चों को नेशनल बाल भवन काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है चिल्ड्रन पार्क। दोस्तों, अगर आप इंडिया गेट गए हो तो इंडिया गेट के जस्ट साथ में है बच्चों की पसंदीदा जगह जिसका नाम है चिल्ड्रन पार्क, जहां पर बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप के बहुत सारे झूले हैं, एक्वेरियम है, लाइब्रेरी है, पार्क की एंट्री से लेकर सारी एक्टिविटी बच्चों के लिए एकदम फ्री है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक पार्क खुला रहता है, और वीक में 7 के 7 दिन पार्क खुला रहता है, और केंद्रीय सचिवालय इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का नंदनवन पार्क छोटी उम्र के बच्चों के लिए एक मनोरंजन का दूसरा नाम है। इस पार्क के अंदर आपको कई सवारी झूले, आयरन मैन, छोटा भीम, डोरेमोन, जानवरों की मूर्तियाँ, हाथी, जिराफ जैसे कार्टून चरित्र की मूर्तियाँ, बगीचे के आकर्षण हैं। सुंदर पेड़ों, फूलों और प्रदूषण से मुक्त माहौल में बच्चों के लिए रंगीन वातावरण है। पार्क के अंदर एक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। अभिभावकों को बच्चे के साथ जाना होगा। पार्क के रखरखाव के लिए जो एंट्री चार्ज है वो 20 रुपये की है, और सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। निकटतम मेट्रो स्टेशन जो है वो है ग्रेटर कैलाश, और सोमवार को ये पार्क बंद रहता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है डक डक गूज। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के लिए डक डक गूज एक बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है, जहाँ पर बच्चे अनलिमिटेड एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर मैं डक डक गूज की टिकट प्राइस की बात करूं, तो जो इसका टिकट प्राइस है वो पर बच्चे के हिसाब से आपको 800 रुपये 1 घंटे के लिए पे करना पड़ेगा, जिसमें बच्चे अनलिमिटेड एक्टिविटी कर सकते हैं। डक डक गूज की जो टाइमिंग है वो सुबह 11:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक की है, और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो वो है रिंग रोड, ब्लॉक सी, राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली। और इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो वो है राजौरी गार्डन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। जी दोस्तों, नेशनल जूलॉजिकल पार्क का पहले नाम दिल्ली चिड़ियाघर हुआ करता था, लेकिन जब 1983 के दौरान इस चिड़ियाघर को आदर्श चिड़ियाघर होने का दर्जा दिया गया, तभी से दिल्ली जू को नेशनल जूलॉजिकल पार्क के रूप में जाना जाने लगा। नेशनल जूलॉजिकल पार्क में जाने के उपरांत आप कई प्रकार के जीव जंतुओं को देख सकते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, हिरन, दरियाई घोड़ा, भालू। नेशनल जूलॉजिकल पार्क सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम के 4:30 बजे बंद होता है। दोस्तों, शुक्रवार को नेशनल जूलॉजिकल पार्क बंद रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क की एंट्री टिकट की। दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति आपको 80 रुपये पे करने पड़ेंगे एंट्री के, लेकिन अगर आपके साथ 5 से लेकर 12 साल के बीच का कोई बच्चा है तो उसकी आपको केवल 40 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर मैं इसकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो वो है सुप्रीम कोर्ट और खान मार्केट, और इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये थे बेस्ट प्लेसेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।